सी प्रोग्रामिंग में लेट अस सी हम देख रहे हैं, इसमें तीसरा चैप्टर है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंस का मतलब ही ये है, कंप्यूटर का यूज इसीलिए है कि वो चीजें बार बार कर देता है, हर बार कर देता है बगैर थके। करता कैसे है, आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें लूप कुछ इंस्ट्रक्शन बार बार चलाने के लिए, बार बार चलाने के लिए जब तक आप चाहे, जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा और उसके बाद आप बाहर आ सकते। हमने डिसीजन कंट्रोल देखा, सीक्वेंशियल देखा, इसमें क्या है जो इंस्ट्रक्शन थे वो फिक्स टाइम चलते थे, या फिर हमने कहा कि ये कंडीशन अगर मीट होगी तो ये चलाएंगे, ये तो ये चलाएंगे। लेकिन अब जरूरत इस बात की पड़ती है कि कुछ एक्शंस हमें बार बार चलाने पड़ते हैं, और बार बार इसलिए चलाने पड़ते हैं कि रियल लाइफ में देखिए कि कुछ ऐसी भी चीज आती है कि आपको काम बार बार करना पड़ता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कोई खुदाई कर रहा है तो बार बार उसको खुदाल जो है वो जमीन पे मारनी पड़ती है, बार 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 बार, तभी यहां खुदाई होगी, इससे थक जाता है। कोई ऑटोमेट हो जाए, कुछ आप ऐसी वस्तु ले आए या कोई इंस्ट्रूमेंट ले आए जिससे आराम से इसको खोला जा सके, इस जमीन में गड्ढा किया जा सके, वो तरीका आप अपना सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस में इसको रिलेट करें तो वो लूप होता है, एक ही चीज को बार बार करने का तरीका। लूप्स, जो कंप्यूटर है उसका मेन एम यही है कि आपके काम को आसान करे। आप जो चीज करते करते थक सकते हैं, क्योंकि इंसानी शरीर है, थकेगा, फिर उसको आराम चाहिए होगा। कंप्यूटर को आराम नहीं चाहिए, कंप्यूटर को केवल पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दें और अपना प्रोग्राम चलाएं, रिपीटेटिव ऑपरेशन करिए, वो करता रहे। तो तीन तरीके के रिपीटेशन हो सकते हैं, जिसमें जब प्रोग्राम यूज करेंगे, चाहे आप सी करें, सी प्लस प्लस, जावा, जिसकी भी बात करें, वहां ये लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सी की बात करें तो इसमें फॉर स्टेटमेंट है, व्हाइल स्टेटमेंट है, डू व्हाइल स्टेटमेंट है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल बिल्कुल सेम है, तीनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। कुछ माइनर डिफरेंसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तीनों कुछ अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आप व्हाइल समझ जाते हैं तो वो डू व्हाइल आपके लिए आसान हो जाएगा, फॉर आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई भी इसमें एक समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। और किस समय कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सा लूप यूज करना है, ये एक सवाल है। व्हाइल लूप, व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जब तक, इसका मतलब है जब तक या तब तक, तब तक चलाते रहिए जब तक ये कंडीशन मीट हो जाए, तब तक चलाते रहिए जब तक ये कंडीशन मीट ना हो, दोनों तरीके हैं कहने के। तो हम कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलाना चाहते हैं कुछ चीज को। मान लीजिए आप कुछ ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करना चाहते हैं अलग अलग लोगों के, और आप या कहिए कि टेम्परेचर कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीग्रेड से फारेनहाइट 15 अलग अलग सिटीज की, तो व्हाइल लूप यहां पर बड़ा आइडियल हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आप देखिएगा ये व्हाइल लूप कैसे इस चीज को आसान करेगा। और फिर एक फ्लो चार्ट जरूर देखिए, कोई भी प्रोग्राम जो होता है आजकल क्या करते हैं लोग, सीधा कंप्यूटर पर जाते हैं, अपना डेवलपर सी प्लस प्लस, सी या टर्बो सी, या फिर आपका कोड ब्लॉक्स खोल के सीधा प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं, फिर इसको रन कराते हैं और देखते हैं कुछ एरर है उसको ठीक करते हैं। अगर आप बिगनर है तो ये तरीका आपके लिए नहीं, आपके लिए तरीका है कि पहले एक कॉपी पेन लीजिए, प्रॉपर चीजें लिखिए आपके क्या क्या आपको करना है, यानी कि आप फ्लो चार्ट बनाइए। उस फ्लो चार्ट में आपको क्लियर दिख जाएगा पिक्टोरियली कि कहां क्या चीज करनी है, कोई गलती हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर में काम करना और प्रोग्राम लिखना ये उनके लिए है जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, या जिन्होंने काफी सालों से, जिनको एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, एक बहुत सिंपल, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बताता हूं। हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंट एक से शुरू कर रहे हैं। हमने कहा यदि काउंट तीन से कम है या बराबर है, आगे बढ़िए, पी एन आर इनपुट कराइए, ये एन को आप टी भी कह सकते हैं क्योंकि पी आर टी बाय 100 होता है, पी इंटू एन इंटू आर बाय 100 करिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, प्रिंट करा दीजिए इसको। अब इस काउंट के काउंट वन को वन एक से बढ़ा दीजिए, ये इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ये इसे कहते हैं इंक्रीमेंट। यहां पर दोबारा देखिए, वापिस चले गए, यहां पर
वापिस आ जाइए, फिर ये काम करते रहिए, लेकिन हर बार ये जरूर चेक कराइए कि जो काउंट है ये 3 से ऊपर ना चला जाए, यानी कि 1 पे कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपने ये 3 बार यहां से यहां तक काम कर लिया, जब अगली बार आप यहां जाएंगे चौथी बार, तो चौथी मेज 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 ये गलत हो जाएगा, तो आप यहां बढ़ने की जगह आप इस जगह बढ़ेंगे और स्टॉप कर देंगे। यानी कि अगर आपको यही चीज यहां से यहां तक का कोड, बल्कि ये कोड है, यहां से यहां तक का कोड, इतना कोड बार बार चलाना है, 3 बार चलाना है, ये 3 का 300 भी हो सकता है, 3,000, 3 लाख बार भी हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये कॉन्स्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा, ये तरीका यूज करना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सेम चीज को हम प्रोग्राम के तौर पे लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको, पी एन आर यानी कि पी प्रिंसिपल है, एन टाइम है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटीजर में पी और एन और काउंट ले लेंगे, फ्लोट में आर और एसआई ले लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और रेट। ये इनिशियलाइजेशन है, ये बहुत जरूरी है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। काउंट इक्वल टू 1, चाहे फॉर लेंगे चाहे डू आई लेंगे, हमेशा ये 3 चीज जरूरी है, एक यहां पर इनिशियलाइजेशन, एक चेकिंग कंडीशन और एक इंक्रीमेंट कंडीशन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इनिशियलाइज किया 1 से, हम इसको इस काउंट को बार बार इससे चेक कराते रहेंगे, पहले अभी काउंट 1 है तो पहली बार क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, आप यूजर से पीएनआर एंटर कराएंगे, पीएनआर में एंटर कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट दिखा देंगे, फिर अगली बार फिर इसको चलाएंगे, यहां पर काउंट, क्योंकि ये काउंट अब यहां पर 1 था, यहां पर जाके 1+1 मतलब 2 हो गया, फिर यहां पर काउंट लेस देन इक्वल टू 3 यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 3 फिर चलेगा, ये अभी अभी कंडीशन मीट नहीं हुई है क्योंकि 2 अभी भी छोटा है, फिर ये चीज चल जाएगी, फिर काउंट जो है वो अभी 2 था, 2+1 यहां पर 3 हो जाएगा, अब फिर से ऊपर जाएंगे, ये चलता रहेगा क्योंकि ब्रेस है, चलता रहेगा, फिर देखिए 3 लेस देन इक्वल टू 3 अभी भी कंडीशन मीट कर रही है, यानी कि 3 इज इक्वल टू तो है ना, ठीक है, फिर ये चलेगा एक बार, फिर पीएनआर आपसे मांगा जाएगा, पी आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे दिखा दें, फिर ये काउंट हो जाएगा 3+1 4, जैसे यहां पर जाएंगे अब यहां पर आएगा 4 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आप इसके अंदर नहीं घुस पाएंगे, आपको सीधा बाहर आना पड़ेगा। ये तो अगर ये वैल्यू डालते रहिए आप, 1, 2, 3 बार चलेगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिखाएगा। इस तरीके से एक वाइल की बॉडी है, वाइल लूप कहते हैं इसको, यहां से यहां तक बॉडी है आपकी, इधर से इधर तक इसको जहां से ब्रेस शुरू हो रहा है ब्रेस एंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम आगे नेस्टेड भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए, शुरुआत के लिए, इसको हम यहां से यहां तक बॉडी कहते हैं। ये इनिशियलाइजेशन है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट भी करेंगे वैल्यू को, और ये आपका चेकिंग कंडीशन है। तो ये 3 चीजें इसमें देखने योग्य है। ये जो आपने 1 देखा, इसको हम लूप काउंटर कह रहे हैं, काउंट को, या इंडेक्स वेरिएबल कहेंगे, ये बढ़ेगा या घटेगा। वाइल की बॉडी आपने देखी, अब जो ऑपरेशन है वाइल लूप का उसके बारे में जानते हैं। आप यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन बहुत जरूरी है, पहली चीज, ये टेस्ट कंडीशन दूसरी चीज, और ये तीसरी चीज इंक्रीमेंट। आपने इनिशियलाइज किया, टेस्ट किया, टेस्ट अगर ट्रू है तो इसको बॉडी ऑफ लूप चलाएंगे, जो लूप के अंदर है, इंक्रीमेंट करेंगे, फिर आगे फिर चेक करेंगे, चेक करते रहेंगे तब तक जबकि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, अब बाहर आ जाए। ये है लूप का फॉर्मेट। कुछ इसमें चीजें आपको समझनी जरूरी है। जब आप लूप की बात करें तो वाइल का जो जनरल फॉर्म है उसमें आप लूप काउंटर को यहां इनिशियलाइज करते हैं, यानी जो भी वैल्यू आपको बढ़ानी है घटानी है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बगैर इनिशियलाइजेशन के काम नहीं चलेगा। उसके बाद यहां पर एक टेस्टिंग कंडीशन है, आप कुछ काम करेंगे फिर इंक्रीमेंट करेंगे लूप काउंटर। अब जो वाइल के अंदर है ये हर बार चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये ट्रू चलती रहेगी ये चलते रहेगी, जैसे ये फॉल्स हो जाएगा आप बाहर आ जाएंगे, मतलब इसके यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा अब ये चलेगा, मतलब ये अब खत्म हो जाएगा। इस जगह पे इस कंडीशन में कोई भी आप वैलिड एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आए, राइट। अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उसको हम ट्रू मानते हैं, जीरो आएगी तो फॉल्स मानते हैं। जो कंडीशन है इसके अंदर आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे आपने कहा आई लेस देन इक्वल टू 10, या फिर आप आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये आपने कौन सा दिया एंड ऑपरेटर, तो आप रिलेशनल भी ले रहे हैं यहां पर, आप लॉजिकल भी ले रहे हैं, रिलेशनल लॉजिकल दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, किसी तरीके से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा ये जब भी कंबाइंड हो जाए इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, जीरो
या जीरो के अलावा कोई भी नंबर, जीरो ट्रू होता है या जीरो फॉल्स होता है, बाकी नंबर ट्रू होते हैं। जो स्टेटमेंट है वाइल में वो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे स्टेटमेंट हो, एक लाइन भी हो सकता है। जैसे अगर हमने कहा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, अभी तक हमने ब्रेस दिया था, ब्रेस से शुरू किया था, ब्रेस से एंड किया था आई इक्वल टू आई प्लस 1, लेकिन चूंकि ये एक ही लाइन है, केवल एक लाइन है, तो आप वाइल के बाद ये लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वाइल के बाद जो अगली लाइन है वो एग्जीक्यूट होती है, जैसे हमने देखा था इफ के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है, एल्स के बाद अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है। लेकिन एक से ज्यादा लाइन अगर आपको लिखनी है तो आपको इसको ब्रेसेस में इनक्लोज करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जब वाइल चेक करता है तब तक चेक करेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। अगर आपने इस लूप को चलाया, आपने कहा इक्वल टू 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10, यहां पर एक चीज छूट गई, वह है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्यों? आई इक्वल टू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये सत्य हो गया, ये चल जाएगा, चलता रहेगा, क्योंकि इसमें आई को आप इंक्रीमेंट करा ही नहीं रहे, आई हमेशा ही वन रहेगा और लेस देन 10 रहेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, बस इस प्रिंट एफ के बाद इसको ब्रेस में ले लीजिए, पहले इस लाइन को इस ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए, यहां पर आपको इंक्रीमेंट जरूर डालना पड़ेगा या डिक्रीमेंट, जैसा आप करना चाहें। इसके बगैर ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा और आपको बाहर आना पड़ेगा, जो भी एडिटर है उससे बाहर आना पड़ेगा, वरना क्योंकि ये लूप चलता ही रह जाएगा। अब अगर आपको इंक्रीमेंट करना लूप काउंटर को, जैसे मैंने कहा आप इसको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इंक्रीमेंट करें, दोनों ही तरीके चलेंगे। जैसे आपने 5 से शुरू किया और आपने कहा मैं 5 को एक एक कम करूंगा, 5-1 4, फिर 4-1 3, मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक ये आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना रहे। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि ये जब 1 पहुंचेगा तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसके बाद ये 0 जैसी पहुंचेगा ये आप बाहर आ जाएंगे, तो 5-5-4-3-2-1 तक तो जाएगा, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, यहां तक चलेगा 5-3, मतलब 5 बार चलेगा लूप, उसके बाद जैसे ये 0 पहुंचेगा ये बाहर आ जाएगा, तो डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी देखिए आप कि जरूरी नहीं है कि जो आप यहां पर अभी तक बना रहे थे इंट 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 करके, जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर ही रहे, फ्लोट भी हो सकता है, बल्कि मैं कहूं ये कैरेक्टर भी हो सकता है। कैसे? जैसे आपने कहा a लेस देन 10.0, आपने कहा कि a लेस देन इक्वल टू 10.5, a 10.0 दिया, हर बार इसको 0.1 से बढ़ाया, 0.1 से बढ़ते एक पॉइंट पे होगा जो ये इसके ऊपर निकल जाएगा 10.6, 10.5 तक तो चलेगा ये, मतलब 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 तक चलेगा, 10.6 पे ये बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 ये इतने बार चलेगा 10 से लेकर 10.5 तक पहुंचते थे, तो आप यहां पर फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं। और जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है उसको भी हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे मैंने बताया कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 ही रखें। आपने कहा कि 1 तक हम करें, हम i इज इक्वल टू i प्लस 2 भी कर सकते हैं, i इक्वल टू i प्लस 3 भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं i इक्वल टू i प्लस कुछ भी कर सकते हैं, i प्लस 60 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके प्रोग्राम के हिसाब से होगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। क्या ये 1 से लेकर 3-7-6 तक प्रिंट करेगा ये वाला प्रोग्राम? क्या ये प्रिंट करेगा? आई आप लेस देन इक्वल टू 3-7-6-7 कर रहे हैं और बार बार आई को ऐड कर रहे हैं, आई में एक एक बढ़ा रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू जब तक ये रहेगा तब तक ये चलाता रहेगा, और सवाल इसमें उठता है कि क्या ये आपको नंबर 1 से लेकर 3-7-6-7 देगा? ये बेसिकली इनडेफिनेट लूप है, 1 से लेकर 3-7-6 तक जाने की संभावना तो है, लेकिन जैसे एक आई एक और बढ़ जाएगा ये चला जाएगा 3-7-6-8 पे, अगर हम माने कि इंटीजर को 2 बाइट मिल रहे हैं आपके कंपाइलर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से 2 बाइट, तो ये आखिरी कंडीशन 3-7-6-3-2-7-6-8 आखिरी कंडीशन में क्या होगा, आखिरी कंडीशन में क्या होगा कि ये लेस देन इक्वल टू आपने कहा ना, ये जैसे ही बढ़ेगा यहां पर जाते ही ये हमारे पास क्या होता है 3-2-7-6-7 यहां होता है और यहां पर होता है -3-2-7-6-8, इसके आगे बढ़ते ही ये आपको यहां ले जानेगा, ये चीज है, इसको जरा समझना जरूरी है आपको, फिर ये बढ़ाता रहेगा, क्योंकि आप 3-2-3-2-7-6-7-8 है उसमें आप
प्लस वन करेंगे, यानी कि ये आपको इस नंबर लाइन तक घुमाता रहेगा, पहले यहां तक जाएगा, फिर यहां से लेके एक एक डिक्रीमेंट करता रहेगा, फिर उसके बाद यहां ले जाएगा, इस तरीके से घुमाता रहेगा, ये इंडेफिनेट लूप हो जाएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होने वाला है, आई आपने 10 दिया, आई आपने 1 दिया और आपने यहां लगा दिया सेमीकॉलन, वाइल के आगे सेमीकॉलन नहीं लगाते। यहां पर आपने कहा कि मैं वाइल यहां तक करना चाहता हूं, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, इग्नोर स्टेटमेंट है। तो ये चीज किस से रिलेट किया आपने, किसी से रिलेट नहीं की, होगा क्या इसमें, ये भी एक आपका इंडेफिनेट लूप होगा, क्योंकि आई लेस देन 10 यहां पर सेमीकॉलन है, इसका मतलब यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा, यहां पर नल स्टेटमेंट है, तो ये लूप तो चलते रह जाएगा। ये तो इसका इस पोर्शन का इससे कोई रिलेशन नहीं रहा, क्योंकि आपने वाइल और इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि सेमीकॉलन लगा दिया। तो अगर आपने गलती से भी ये सेमीकॉलन वाइल के आगे लगा दिया, हो सकता है कि कंडीशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाइल के आगे सेमीकॉलन नहीं लगाएंगे, लगाने की संभावना है, हम कई प्रोग्राम ऐसे हमारे पास आएंगे जहां हमको लगाना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वाइल के आगे सेमीकॉलन मत लगा दिया, अदरवाइज इस तरीके से आपकी रिजल्ट आएगा, ये बार बार इंक्रीमेंट करता रहेगा। ये आपको वाइल आई इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 आप ये चलाते रहेंगे, आई तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही ना, क्योंकि आई ये जो पोर्शन है इससे अलहदा हो गया, अलग हो गया। और ऑपरेटर्स देखते हैं, वाइल के साथ और हम क्या क्या ऑपरेटर यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखिए कि नंबर 1 से 10 आपको प्रिंट करने हैं, तो वाइल के थ्रू इसको कैसे लिखेंगे। आपने कहा आई इक्वल टू 10 शुरू किया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, बहुत अच्छी बात, उसके बाद आई आपने प्रिंट किया आई इक्वल टू आई प्लस 1, शानदार तरीके से वह 1 से लेकर 10 प्रिंट हो जाएगा। आपने कहा कि मैं आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 10 करता हूं, यहां पर मैं आई इक्वल टू आई प्लस 1 में मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है, कुछ शॉर्ट फॉर्म बताइए इसका। इसका शॉर्ट फॉर्म है आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, एक ही बात, राइट। आई प्लस प्लस इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई के बाद प्लस प्लस हो तो पोस्ट इंक्रीमेंट, आई के पहले प्लस प्लस हो तो प्री इंक्रीमेंट, इसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे। तो इसी तरीके से आई प्लस प्लस है तो आई माइनस माइनस भी होता है, और प्लस प्लस आई है तो माइनस माइनस आई भी होता है। आई प्लस प्लस का सिंपल मीनिंग होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस का मतलब भी यही होता है, और प्लस प्लस आई का भी मतलब ये होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, सिमिलरली इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई माइनस 1। एन प्लस प्लस, ये एन प्लस प्लस तो ठीक है, तो उसके आगे अगर एक और प्लस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस 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 कोई ऑपरेटर नहीं होता है आपके सीम। यहां पर इक्वल टू एक और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा और असाइनमेंट इजी करिए मेरा, तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, इस प्लस को हम यहां ले जाएंगे, आई लिखेंगे, इस प्लस को यहां ले जाएंगे, इस इज इक्वल टू हम यहां ले जाएंगे और 1 कर देंगे, देखिए कितना आसान होगा। इसका मतलब भी यही होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1, इन दोनों का मतलब सेम है। प्लस इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी आई को 1 से बढ़ा रहा है। अगर आप जे इक्वल टू जे माइनस 10 लिखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया जे को यहां रखिए, माइनस को इधर ले आइए, इज इक्वल टू इधर ले आइए और यहां 10 लिख दीजिए, बस जे माइनस इक्वल टू 10 का मतलब ही होता है जे इक्वल टू जे माइनस 10। ऐसी और भी कंपाउंड आपके पास ऑपरेटर है, माइनस इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू और मॉड्यूलो इक्वल टू, ये सारे वही काम करेंगे। अब ये एक और तरीका है, इसमें क्या करेंगे, हमने इनिशियलाइज तो किया, इंक्रीमेंट यहां नहीं दिया, लेकिन इंक्रीमेंट हमने यही लगा दिया, क्या ये सही है, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया और हम ये देख रहे हैं कि आई प्लस प्लस क्या होता है, ये तो आई प्लस वन ही तो होता है, तो आई आएगा अगली बार आई प्लस प्लस, यानी जीरो का ये जीरो से चेक कराएंगे, अगली बार आई प्लस प्लस हो गया मतलब अगली बार जब ये लूप चलेगा तो ये 1 हो चुका होगा, फिर उसके बाद दोबारा चलेगा तो ये 2 हो चुका होगा, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है, और प्लस प्लस का मतलब क्या होता है इक्वल टू आई प्लस 1, तो पोस्ट इंक्रीमेंट यहां पर आप लगा सकते हैं, लेकिन बस इनिशियलाइज करना जरूरी है, तो ये भी तरीका बिल्कुल सही है। अब प्लस प्लस आई ये प्री इंक्रीमेंट है, इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, इन दोनों में अंतर बस ये है, इसमें अंतर ये है कि जो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट ऑफ आई हैपन्स आफ्टर इट्स यूसेज, एक बार आई को हमने यूज कर लिया ना उसके बाद इंक्रीमेंट होगा,
आप समझ रहे हैं, हम सबसे पहले आई लेस देन इक्वल टू 10 इस वाली लाइन को देखें तो आई लेस देन 10 करेंगे, उसके बाद आई को बढ़ाएंगे, आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ये होता है। इस प्री इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, इस प्री इंक्रीमेंट में ये पहले इसको इंक्रीमेंट कर देगा, यानी आई जीरो है लेकिन जब से सबसे पहले यहां वैल्यू आएगी तो वो वन आएगी, वन को वन चेक होगी टेन से, यानी कि जीरो पहले जीरो चेक नहीं होगा टेन से, ये जो प्री इंक्रीमेंट होता है ये पहले वैल्यू को बढ़ा देता है उसके बाद चेक कराता है, ये अंतर है। इंक्रीमेंट ऑफ आई हैपन्स बिफोर द यूसेज, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर, इसे हम प्री इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर। फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट लूप है ये, और क्यों हम फॉर ज्यादा यूज करते हैं, क्या इसमें फॉर में फायदे नुकसान है, वाइल और इसमें क्या डिफरेंस है। तो फॉर हम एक ही लाइन में जो वाइल में तीन चीजें लिखते थे, पहला इनिशियलाइजेशन होता था, फिर उसके बाद हम काउंटर लगाते थे यानी काउंटिंग करते थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद हम चेकिंग कंडीशन लगाते थे, ये तीनों चीज हम फॉर में एक ही लाइन में लिख सकते हैं, यानी कि हम फॉर में लूप काउंटर इनिशियलाइज कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं क्या हम उस जगह पहुंच गए, उस सिचुएशन में पहुंच गए कि हमें बाहर आना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, हम फॉर में एक साथ कर सकते हैं। यानी जनरल फॉर्म अगर हम फॉर लूप का देखें तो ये फॉर लूप है, इसमें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन काउंटर है, यहां पर आप इनिशियलाइजेशन करेंगे, दो सेमीकॉलन होते हैं इसके बीच में, एक ये दो, और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ये, तो इनिशियलाइजेशन काउंटर हो गया, यहाँ टेस्ट करेंगे कंडीशन को और यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देंगे, उसके बाद आपको जो चीज करनी है वो आप यहाँ ब्रेसेस के अंदर देंगे। एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिखते हैं जो वाइल के हिसाब से लिखा गया था, अगर आपने वाइल वाला डिस्कशन देखा है तो आप फॉर का देखिए, फॉर के हिसाब से हम इसका, पहले तो हम फ्लो चार्ट पे जाएंगे, फ्लो चार्ट बनाने से फायदा यह होता है कि प्रोग्राम आसानी से बन जाता है। स्टार्ट करेंगे काउंटर, हम यहाँ पर वन देंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि काउंट लेस देन इक्वल टू तीन है कि नहीं, राइट। अगर ये है तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें काउंट वन करते हैं, और यहां पर चेक करते हैं कि काउंट लेस देन थ्री है कि नहीं, इन दोनों को चेक करते हैं, उसके बाद हम इनपुट कराएंगे ये पी एन आर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर एन इंटू आर, या पी आर टी बाय 100 करेंगे, प्रिंट करा देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, फिर यहां पर जाएंगे। अब जब हम जाएंगे तो यहां नहीं जाएंगे, हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन यानी कि काउंट लेस देन थ्री चेक करेंगे, मतलब इस सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में यू जाएंगे या इस सिचुएशन में यू जाएंगे, नो कैसे सिचुएशन में जाते हैं इसको अभी मैं बताता हूं आपको। ये कोई ऐसा नहीं है, आपके पास तीनों चीजें एक लाइन में है, काम वैसे ही हो रहा है जैसे वाइल में या डू वाइल में होगा। तो इस प्रोग्राम को देखिएगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करना है और तीन आपके पास सेट है इंटरेस्ट ऑफ फॉर थ्री सेट्स, तो पी इंटू एन टू इन इंटू आर, तो तीन बार हम इसको चलाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर का लूप यूज करेंगे, इंटीजर में पी एन और काउंट दे दिया, फ्लोट में हमने आर और सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, काउंट हमारा वन है यहां, ये इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ये हमारा चेकिंग है काउंट लेस देन इक्वल टू थ्री और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन। सबसे पहले काउंट वन है और ये चेक होगा काउंट लेस देन थ्री है कि नहीं, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाएंगे, पी एन आर लेंगे, स्कैन करेंगे, कंप्यूट करेंगे, प्रिंट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, अब इसको भूल जाएंगे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन हो चुका है, चेक करेंगे कि जो वन था वो टू, टू लेस देन इक्वल टू थ्री है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू थ्री है, आगे बढ़ जाएंगे, फिर से चलेंगे, उसके बाद हम जैसे मैंने कहा इसको हम पहली बार के लिए याद रखेंगे बाकी भूल जाएंगे, फिर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन फिर से होगा, यानी कि थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री करेंगे, ये सत्य हो गया, इसका मतलब आप इसके बाहर आ जाएंगे, ये अभी अभी और अंदर जाएंगे चार पे, एक यहां पर जाएंगे फिर चार पे हम बाहर आ जाएंगे, यानी कि पहली बार ये सिचुएशन होगी, अगली बार में हम ये करते रहेंगे और इससे चेक कराते रहेंगे। तो यहां पर इनिशियलाइजेशन फॉर में जो फॉर स्टेटमेंट है, जब पहली बार ये एग्जीक्यूट होगा तो काउंट को हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दिया। अब जो काउंट लेस देन इक्वल टू थ्री है, ये कंडीशन बार बार चेक हो रही है, क्योंकि काउंट वन है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, हम अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे काउंट इक्वल टू वन। अब हम बार बार काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे और इसकी टेस्टिंग कंडीशन से चेक कराते रहेंगे जब तक कि ये तीन से ऊपर ना निकल जाए, तीन तक चलेगा ये। अगर इस रेंज में वन टू थ्री तक रेंज में है आपका, तो फॉर के अंदर के जो कंटेंट है वो हमेशा चलते रहेंगे, जो बॉडी है फॉर की वो तब तक चलेगी जब तक हम तीन के ऊपर नहीं निकल जाते, जो काउंट है जैसी वो चार पे पहुंचेगा हम बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने काउंट दिया हुआ है काउंट लेस देन इक्वल टू थ्री, तो चार के ऊपर जैसे जाएंगे कंडीशन फेल हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। फॉर के लूप का अगर हम फ्लो चार्ट के तौर पे दिखाना चाहें तो
तो हम स्टार्ट करेंगे या इनिशियलाइज कर रहे हैं, बात बिल्कुल सेम है। टेस्ट करेंगे, टेस्ट अगर ट्रू है तो बॉडी दिखा के इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम फिर से टेस्ट पे जाएंगे, जहां ये फॉल्स हो जाएगा बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज हम इसको चलाते रहेंगे, लूप चलता रहेगा। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि इनिशियलाइजेशन टेस्टिंग और जो इंक्रीमेंट पार्ट है ये आप यहां पर एक्सप्रेशन भी दे सकते फॉर लूप में, क्योंकि फॉर लूप में एक ही लाइन में होता है तो बहुत सारी चीजें डालेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर एक तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन 10 से करिए, एक एक करके डिक्रीमेंट करके यहां पर आई से चेक कराते रहिए, राइट। आप यहां पर आई लेस देन 4 कर रहे हैं, जे इक्वल टू 5 कर रहे हैं, जे इक्वल टू 0 ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल टू 1 कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 10 कर रहे हैं, यहां पर प्रिंट एफ करा दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद यहां पर आप पहले में स्कैन करा दीजिए, आई यहां पर लेस देन इक्वल टू 10 कर दीजिए, यहां आई प्लस प्लस कर दीजिए, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 से 10 का हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और यहां पर फॉर यूज करेंगे, फॉर लूप। तो देखिएगा 1 से शुरू कर रहे हैं, एक एक करके बढ़ा रहे हैं, हर बार इसको चेक कराएंगे 10 से, ये प्रिंट है फाइल। हमेशा ये जो आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखने की जगह हम क्यों ना इसको आई प्लस प्लस लिख दें, तो आप देखेंगे फॉर लूप जितने भी आगे आने वाले हैं उसमें आई इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह आपको आई प्लस प्लस ही मिलेगा, आई प्लस प्लस ही मिलेगा। जो डिफॉल्ट स्कोप है फॉर का वो अगली लाइन है, इसलिए एक लाइन अगर लिखनी है तो फॉर में ब्रेस लगाने की या कर्ली ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस लूप को देखिएगा, आपने यहां पर i इक्वल टू 1 किया, i लेस देन इक्वल टू 10 किया, और उसके बाद आपने यहां i इक्वल टू i प्लस 1 लिख दिया, तो इसमें हुआ क्या, इंक्रीमेंट आपने अंदर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप इस सेमीकोलन के बाद बाहर छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए और यहां इंक्रीमेंट कर दीजिए, ऐसी कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आप इसको यहां नहीं ले जा सकते। यहां पर आपने क्या किया, पहले वाले को छोड़ दिया, इनिशियलाइजेशन आपने स्टार्टिंग में कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, अगेन कोई बंदिश नहीं है आपके पास कि इसको यहां लिखना ही लिखना है, जरूरी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसने इनिशियलाइजेशन कर दिया, बाकी आप इंक्रीमेंट और जो चेकिंग कंडीशन वो यहां लिख दीजिए, राइट। ये भी हो सकता है, यहां पर आई इक्वल टू 1 है, यहां पर आपने ये इनिशियलाइजेशन यहां लिख दिया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहां लिख दिया, केवल आपने सेमीकॉलन के बीच में जो चीज आ रही है, दो सेमीकॉलन के बीच में जो चेकिंग कंडीशन है वो यहां फॉर के अंदर लिख दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि आप ये तीनों चीज लिखें, इसको ऊपर ले जा लीजिए, इसको नीचे ले जा लीजिए। एक और सिचुएशन बनती है आपकी, आपने इनिशियलाइजेशन यहां किया, चेक यहां किया, और यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया। अब बात यह है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप यहां दें, आप यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दे रहे। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब यही है कि पहले आई चेक होगा 10 से, फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है, तो ये कंडीशन भी सही है। यहां जरूरी नहीं है हम आई प्लस प्लस यहां लिखें, आई प्लस प्लस लेस देन 10 लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन मेरा आपसे डिस्कशन ये है कि हमेशा जो तरीका है, जिस तरीके से फॉर लूप बनाया गया है, जिस तरीके से वो लिखा जाता है, वैसे ही लिखें तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर देखें प्लस प्लस आई लेस देन इक्वल टू 10, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि आपने जो प्लस प्लस वाला काम यहां होना था वो आपने यहां लिख दिया। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो है आई इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद 10 से चेक होगा, बस इतना आपको करना है। लूप्स, इनकी नेस्टिंग हो सकती है, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप, कितने भी लूप डाल सकते हैं आप, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप, ये आपके पूरी तरीके से आपके कार्य पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जैसे इफ को हम नेस्ट कर सकते हैं, वाइल और फॉर को भी हम नेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम देखिए, हमको खासतौर पर जब हम मैट्रिसेस वगैरह की बात करेंगे ना, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, जहां पर डबल डायमेंशनल चीज आएगी, वहां पर हम लूप्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे, नेस्टिंग का बहुत इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, आपके पास ये रो है, कॉलम है, और ये रो जो है 1 से लेकर 3 तक जा रही है, यानी मैं इस तरीके से अगर आपको दिखाऊं, आपकी ये रोज है, कितनी रोज है, 1 से लेकर 3 तक, तो ये आपके 3 रोज हो गई। आपके कॉलम है 1, 2 कॉलम है ना, तो जो इनर लूप है, जो आउटर लूप है, वो आपको रो बताएगा, पहला रो, अंदर फिर इसके अंदर आएंगे ना, तो ये आपको कॉलम बताएगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। उसके बाद जब ये पहला दूसरा कॉलम हो गया, ये वाले काम हो गए, उसके बाद दूसरे रूप के लूप, दूसरे रो में जाने के लिए यहां पर फिर से आप बाहर निकल आएंगे, फिर ये 2 पे पहुंच जाएगा, दूसरे रो के बारे में बात करेंगे, दूसरे रो का भी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर ये जब काम हो गया तो तीसरे रो में, यहां पर तीसरे रो पे चले जाएंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ये बाहर का लूप है जो आपको रो, एक एक रो की तरफ ले जा रहा है, एक रो के अंदर, एक रो के अंदर 2 कॉलम है, तो एक रो के अंदर 2 कॉलम लिखनी पड़ेगी, फिर इस तरीके से दूसरे रो के अंदर 2 कॉलम है,
तो दूसरे रो के अंदर दो कॉलम लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ पर आर और सी को मतलब रो और कॉलम को ऐड करके जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ ऐड करा सकते हैं, दिखा सकते हैं सामने। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये वैल्यूज डालेंगे आप देखेंगे सम आपका आ रहा है, रो और कॉलम जो भी आर और सी वैल्यू आ रही है वो तो आपको सम करके दिखाई देगा। बाहर वाला लूप और अंदर वाला लूप, बाहर वाला लूप जितने बार एक बार चलेगा, अंदर वाला लूप उतने बार अंदर अपने हिसाब से चलेगा। जैसे एक बार जब ये चलेगा तो ये दो बार चलेगा, फिर अगली बार जब ये एक बार चलेगा फिर ये दो बार चलेगा, क्योंकि यहाँ एक और दो मतलब ये एक रो के लिए दो कॉलम पे जाएगा, फिर से दूसरे रो के लिए फिर दो बार कॉलम पे जाएगा। तो एक बाहर के एक बार चलने एक बाहर एक बार चलेगा, फिर अंदर वाले दो बार चलेगा, फिर बाहर वाला दूसरी बार यहां पर आएगा, फिर दूसरी बार दूसरा वाला अंदर वाला दोबारा चलेगा दो बार, फिर तीसरी रो में आएंगे तो यानी कि ये तीन बार चल रहा है, लेकिन हर एक बार हर तीन के एक बार में अंदर वाला दो बार चल रहा है। और इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन मतलब ये है कि आप जो चीज दिखाना चाहते हैं, जैसे आप बताना चाहते हैं, उसको वैसे लिखिए जैसे आप समझते हैं। जैसे अगर बाय चांस मैं इस फॉर को उठा के यहां लिख देता, इसको यहां रख देता, सबको एक लाइन में लिख देता, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा फॉर कहां है। इस फॉर के बाद देखिए अगला फॉर यहां आ रहा है, इसके अंदर और फॉर लेना तो यहां लिखिएगा, इसके अंदर और फॉर लेना यहां लिखिएगा। इसी को इंडेंटेशन कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि एक बार प्रोग्राम लिखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम को मेंटेन करना, फॉलोअप करना, किसी और को देना, उसमें चेंज करना, ये बहुत जरूरी है। वो तभी हो पाएगा जब आप प्रोग्राम को समझ पाएंगे एक बार लिखने के बाद, और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे बताया गया। तो ये फॉर लूप आपने देखा, नेस्टिंग हो सकती है ऐसे वाइल की भी, वाइल की फॉर के अंदर, फाइल फॉर की वाइल के अंदर, इफ की वाइल के अंदर, वाइल की इफ के अंदर, एल्स के अंदर, कोई भी चीज कहीं भी आप डाल सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कहीं भी डाल सकते। जो फॉर लूप है उसमें हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा आई इक्वल टू वन, मैं यहां पर आई इक्वल टू वन की जगह जे इक्वल टू वन साथ में जे इक्वल टू टू भी इनिशियलाइज कर सकता हूं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आई इक्वल टू वन है, जे इक्वल टू टू है, जे को बढ़ाइए, जो को घटाइए यहां पर, और जे को चेक कराइए, आई भी अपने साथ साथ इंक्रीमेंट वो हो गया, इनिशियलाइज हो गया। तो मल्टीपल आपका इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको यहाँ कॉमा लगाना होगा। आई आई है, जे है, के है, एल एम जितने भी है चाहे आप कर सकते हैं। ऑड लूप, ऑड लूप क्या होता है? एक लूप जो होता है हमने उसको किसी कितने फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चलाया, लेकिन होता यह है कि हमको कभी कभी रियल लाइफ प्रोग्रामिंग हम जब करेंगे हमको पहले पता ही नहीं होता है कि कितने बार चलाना है। जैसे हमने कहा कि एक से लेकर दस नंबर तक प्रिंट कराना है, तो आपको क्लियर पता है एक से लेकर दस नंबर तक प्रिंट कराना है। आपको एक प्रोग्राम ऐसा मिलेगा कि आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, आपको पता नहीं दस कराने हैं, पंद्रह कराने हैं, बीस कराने, कुछ पता ही नहीं आपको। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको बिफोर हैंड पहले भी पता नहीं होगा कि मुझे कितनी बार अपने लूप को चलाना है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में देखिएगा, एक यहां पर एक लूप है, हम चलाना चाहते हैं अननोन नंबर ऑफ टाइम है, हमें पता नहीं कितना चलेगा। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हैं, अनदर एक नंबर ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डू और व्हाइल यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर एंटर अ नंबर करा रहे हैं, इसको नंबर में ले रहे हैं, उसके बाद हम स्क्वायर करा रहे हैं इस नंबर का, ये यदि नम यहाँ आ जाएगा नंबर का स्क्वायर, नंबर इंटू नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने आगे बोला आपको और करना है क्या, यू वॉन्ट टू एंटर और नंबर डालने हैं? आप यूजर से यस और नो लेंगे, यूजर अगर जो भी देता है वैल्यू, अगर वो यस दे देता है, आप वाइल पे चेक करा रहे हैं अनदर इक्वल टू वाई, यस इस कैरेक्टर में आप वाई चेक करा रहे हैं, अगर उसने वाई दिया तो आपको चलाना पड़ेगा दोबारा। जब तक यूजर वाई देता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, वाई के अलावा वो कुछ भी देगा बाहर आ जाएंगे। आपने देखा कि ये यूजर के विल पे है, वो एक बार भी चलाना चाहता है, वो सौ बार भी चलाना चाहता है, वो एक बार भी नहीं चलाना चाहता है। लेकिन डू वाइल के अंदर, डू वाइल की खासियत यह है, इस लूप की खासियत यह है कि आप चाहे ना चाहे एक बार कम से कम चलेगा। क्यों? क्योंकि डू के अंदर तो घुस गए ना, ये तो एक बार चलेगा ही चलेगा, वाइल तो यहां चेक हो रहा है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। वाइल और फॉर को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो यहां पर आप एंटर करिए नंबर, जब तक आप यस करते रहेंगे आपका ये चलता रहेगा, जहां आप नो कर देंगे आप बाहर आ जाएंगे। बल्कि मैं कहूं नो, क्योंकि वाई को चेक कराया, नो के अलावा कोई भी कैरेक्टर डाल देंगे बाहर आ जाएगा। तो यहां पर डू वाइल में एक फायदा ये है, एक अच्छी बात ये है कि जहां पर ये अनदर इक्वल टू वाई फेल हुआ तब आप बाहर आएंगे, एक बार कम से कम ये चलेगा, एक बार ये कम से कम चलेगा, जो फॉर और वाइल से नहीं मिलेगा। क्योंकि फॉर और वाइल जो है, फॉर और वाइल में सबसे पहले ही कंडीशन चेक हो जाती है, अगर पहली बार में कंडीशन फेल हो गई आप एंटर ही नहीं कर पाएंगे।
एक ऑड लूप देखिए, फॉर लूप फॉर के साथ कैसे चलेगा, इसी को हम फॉर के साथ देखते हैं ऑड लूप को। ऑड लूप जब जहां हमको बिफोर हैंड पता नहीं होता है कि हमको इसको कितने बार चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक कैरेक्टर वाई से इनिशियलाइज कर देते हैं, नंबर लेंगे। यहां पर हमने फॉर लूप दिया, ना लेफ्ट में कुछ दिया ना राइट में कुछ दिया, बस अनदर इक्वल टू वाई दे दिया। जैसे हमने क्योंकि इनिशियलाइजेशन तो कर चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर आपने अनदर इक्वल टू वाई किया और यहां पर भी कुछ नहीं किया, ये इन ऑल फॉर का काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर का जो हम काम लेना चाहते हैं वो तो कर नहीं रहा है। बस एक तरीका आपको बताना चाह रहे हैं कि फॉर से भी सारे प्रोग्राम बन सकते हैं। थोड़ी सी तिकड़म, थोड़ी सी ऐसी चीज अपनानी पड़ेगी जिससे वो चल जाए, अदरवाइज फॉर का कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना चेकिंग हो रही है। ओके, अब यहां पर आप चेकिंग यहां पर हो रही है, इनिशियलाइजेशन और आप ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे, चेकिंग जरूर हो रही है क्योंकि अनदर इक्वल टू वाई, जब ये डबल इज इक्वल टू आ गया ना तो चेकिंग हो रही है। तो नंबर एंटर कराएंगे, नंबर में डालेंगे, नंबर और नंबर का स्क्वायर दिखा देंगे, उसके बाद यूजर से पूछेंगे क्यों साहब और बार और एक और बार और चलाना चाहते हैं। यूजर करेगा हाँ मैं चलाना चाहता हूँ, आप इसको ये लेंगे फिर से चले जाएंगे क्योंकि अनदर इक्वल टू वाई चेक हो गया। फिर उसके बाद आप कहेंगे चलता रहेगा चलता रहेगा, बोलेंगे साहब चलाना चाहते हैं, यूजर थक जाएगा बोलेगा नहीं नहीं चलाना चाहते, वो एंड डाल देगा, अनदर इक्वल टू वाई से मिसमैच हो जाएगा, आप बाहर आ जाएंगे यहाँ पर। अब वाइल का कैसे करेंगे, ऑड लूप यूज करते कर हम यूज करेंगे और ऑड लूप चलाएंगे। ऑड लूप का मतलब ये होता है कि बिफोर हैंड हमें पता ही नहीं कितनी बार चलाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं अनदर इक्वल टू वाई। वाइल के लिए इनिशियलाइजेशन जरूरी है, वाइल के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जरूरी है, वाइल के लिए चेकिंग कंडीशन जरूरी है। लेकिन जो मैंने कहा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फॉर में भी देखा अभी हमने, वाइल में भी देखा, कोई जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप उसको। देखिए कैसे, हमने इनिशियलाइजेशन दे दिया, ये चेकिंग कर ली, कहीं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो है ही नहीं। ओके, तो हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं इसको, फिर उसके बाद चेक करा रहे हैं क्या ये यस है, क्योंकि पहली बार में हमने यस दे दिया तो ये एंटर कर जाएगा। हम नंबर बोलेंगे, नंबर का नंबर और नंबर का स्क्वायर दिखा देंगे, फिर बोलेंगे साहब आप और नंबर नंबर का स्क्वायर दिखाना चाहते हैं, यूजर बोलेगा हाँ यस, तो ये चेक हो जाएगा। जैसे यूजर यस डालेगा ये इससे चेक हो जाएगा, बोलेंगे हाँ ठीक है एंटर कर लीजिए। उसके बाद जब तक यस यस करता रहेगा हम इस लाइन को चलाते रहेंगे, बार बार उसे एंट्री लेते रहेंगे। एक बार वो एंटर कर दे या वाई के अलावा कुछ भी एंटर कर दे, आप बाहर आ जाए ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखे हमने ये बात की कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी कार है, आप कार यहां से लेकर सौ मान लीजिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक ले जा रहे हैं, अब बीच में ट्रैफिक जाम आ गया, आपके सामने गाय आ गई, क्या करेंगे आप, गाड़ी में ब्रेक तो होना चाहिए ना। इसी तरीके से जो लूप है आपका, लूप लूपिंग कंस्ट्रक्ट में ब्रेक तो होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि सामने देखिए मैं दिल्ली से मेरठ जा रहा हूं, लेकिन बीच में जो मुरादनगर है या जो भी कोई जगह, मैं कोई भी नाम ले सकता हूं, आप इसको फिजिकली मत वो करिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अरे यहां पर ना थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया, यहां ट्रक पलट गया, मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, तो मेरा जो प्री से स्पेसिफाइड पाथ है उसको मैं छोड़ूंगा, कहीं और से जाऊंगा, उसे कहते हैं कंटिन्यू। उस पार्ट को छोड़ के, कुछ पार्ट को छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो उसे कहते हैं कंटिन्यू। ब्रेक मतलब मैं बीच में ब्रेक लगाना चाहता हूं। अगर मेरा ये काम बन गया, मैं एक साहब से मिलना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं अपने यहाँ घर से लेकर थोड़ा मार्केट तक गया, मुझे मान लीजिए रैपिंग पेपर लेना है, मुझे पता नहीं कहाँ मिलता है, मैं आगे बढ़ता गया, जैसे मुझे एक दुकान मिल गई, मैं वहां रुक गया, मैंने रैपिंग पेपर ले लिया, मैं वापस आ गया, मेरा यह था कि मैं यहां से लेकर क्लॉक टावर तक जाऊंगा, है ना, तो बीच में ब्रेक कर गया, जब मेरा काम हो गया तो ब्रेक कर गया, यही ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो हो क्या रहा है इसमें, ब्रेक मतलब आप किसी जगह पे बाहर आना चाहते हैं लूप से, क्योंकि लूप तो चलता चला जा रहा है, कंडीशन भी मीट नहीं हुई, लेकिन ऐसी चीज जहां पर आप ब्रेक करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एक प्रोग्राम हमको लिखना है कि वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर क्या होता है, दो दो को छोड़ के, दो वैसे प्राइम है, उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तो प्राइम होता है, बाकी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। यदि डिवीजन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि भाई ये नंबर तो प्राइम नहीं है, यदि कोई डिवीजन नहीं हो पाता है, उसी नंबर से डिवाइड हो पाता है, तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, नंबर एंटर कराया एनयूएम में, नंबर ले लिया, हमने आई इक्वल टू टू से शुरू किया और हमने कहा i less than equal to number minus 1, उस नंबर से उस नंबर तक जाएंगे हम जो नंबर एंटर किया गया है।
दो से लेकर मान लीजिए किसी ने सात एंटर किया तो दो तीन चार पांच छह तक जाएंगे, ऐसी अगर किसी ने 77 कर दिया तो दो से लेकर पूरा करते करते 77, 76 यहां तक चले जाएंगे। उन नंबर से हर एक जो वैल्यू आई इसको हम बढ़ाते रहेंगे और उस नंबर का मॉड्यूलो लेते रहेंगे, लेकिन जैसे ये मॉड्यूलो मतलब यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर को हम इससे डिवाइड कर देंगे, अगर 77 के अलावा किसी और से ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 77 केवल एक से डिवाइड होगा या अपने या 70 एक से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा तभी ये प्राइम कहलाएगा। लेकिन 77 क्या है, 77 तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जहां 7 इसको मिलेगा यही ये डिवाइड हो जाएगा, उसी पल हम बाहर आना चाहते हैं कि साहब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 7 से डिवाइड हो गया तो बस हम यहां बाहर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम यहां पर बोल देंगे जैसे कि i इक्वल टू नंबर ये प्राइम, अगर यहां बाहर आ गए तो ठीक है, जब हम बाहर नहीं आए, अगर हम बाहर नहीं आए और हम इस i को लेते 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 77 तक पहुंच गए, कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो 77 को डिवाइड कर पाए, तो 77 तक पहुंच जाएंगे। 77 तक पहुंच के जब अगर हम पहुंच गए और i हमें 77 तक मिल गया तो हम कहेंगे साहब ये तो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो ये मॉड्यूलो जो है ये हमको बता रहा है कि हमको रिमाइंडर क्या आने वाला है, और व्हाइल लूप में आपने चेक कर लिया कि ये क्या है, अपना प्राइम है कि नहीं है। तो मेन मुद्दा इसमें व्हाइल और डू व्हाइल समझने का नहीं है, वो है ब्रेक का। अगर आपके पास सात पे जैसे मैंने कहा 77 जो है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, 7 पे डिवाइड हो गया, तो 7 के आगे क्यों बढ़ना है, इसको तो बढ़ना ही नहीं है ना, जैसे मैंने कहा आपका काम यही हो गया तो इसमें बढ़ना नहीं है, तो ब्रेक कर लीजिए, तो ये ब्रेक कर लेगा। ब्रेक मतलब जो होता है, ब्रेक हमेशा इनर लूप से आपको बाहर ले आता है। तो ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि हमने ये देख लिया कि नंबर प्राइम नहीं, जो लूप बाहर आ गया, क्योंकि अगर लूप उस जगह पे बाहर आया है कि आपने डिवाइड करने की कोशिश की वो किसी से डिवाइड ही नहीं हुआ, तब आप कहेंगे कि ये नंबर वाकई में प्राइम है। और हम दो से लेकर नंबर -1 तक गए, हमने डिवाइड किया नहीं मिला, हमने कहा प्राइम नंबर है, कोई नंबर ऐसा मिल गया जिससे उसका मॉड्यूलो या डिवीजन हो गया है या मॉड्यूलो इसका 0 आ गया, तो आप कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं। जो कीवर्ड ब्रेक है ये आपका कंट्रोल ब्रेक कर रहा है। एक देखिए, आपने कहा आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1, आपने कहा कि वाइल आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10, वाइल जे प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 20, अगर जे 150 हो जाए तो ब्रेक कर दीजिए, तो जे तो 150 हो गई ना, जे प्लस प्लस करते रहेंगे आप, जे आपने कहा ये जे है, बढ़ा भी रहे और 200 से कम, तो जे तो 1 से लेकर 150 तक पहुंचेगा, जैसे 150 तक पहुंचेगा आप बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये आपको बाहर निकाल रहा है, तो इस प्रोग्राम में जैसे जे 150 तक पहुंचेगा जो कंट्रोल है ब्रेक क्या करेगा, इट टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द इनर व्हाइल लूप ओनली, इस इनर व्हाइल लूप से, इस इनर वाले से यहां से यहां तक, इससे वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये इनर में दिया हुआ है। जिस भी लूप के अंदर ब्रेक दिया है ना, मान लीजिए ये ब्रेक है, यहां पर ब्रेक या ब्रेक आपको इससे बाहर ले जाएगा, बस इनर लूप से बाहर ले जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, आप मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं, आपने कहा नहीं मैं 5 और 6 प्रिंट नहीं कराऊंगा, तो कैसे करेंगे, लूप तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा, 5 और 6 को कैसे स्किप करेंगे, कंटिन्यू ये काम करता है। अगर कुछ लूपिंग में एक दो चीजें आपको स्किप करनी है तो आप कंटिन्यू यूज करेंगे। तो ये कंटिन्यू कैसे काम करेगा, कंटिन्यू हम इफ के साथ यूजुअली एसोसिएट करते हैं। एग्जांपल समझाता हूं आपको, जैसे आपने कहा आई जे, यहां पर कहा आई लेस देन इक्वल टू 2, जे 1 जे लेस देन इक्वल टू 2, यदि आई और जे बराबर हो जाए तो कंटिन्यू, मतलब आप प्रिंट तभी कराएंगे आई और जे जब ये अलग अलग होंगे, जैसे आई और जे बराबर हो जाएंगे आप कहते हैं हमें ये प्रिंट नहीं कराना, जैसे जब 1-1 आएगा, 1-2 आएगा, 1-1 आएगा और 2-2 आएगा, तब प्रिंट नहीं कराना, तो आपने क्या किया यहां पर कंटिन्यू करा दिया, यानी कि आपका लूप भी ब्रेक नहीं हुआ, बस आप इस लाइन को प्रिंट नहीं कराना चाहते, मतलब इस कंटिन्यू के बाद जितनी भी लाइनें होंगी वो सब रह जाएंगी, ये कंटिन्यू आपको सीधा इस लूप के द्वारा ले जाएगा, बस इतना करना है। तो जो आउटपुट इस तरीके से आएगा 1-2-2-1, 1-1-2-2 नहीं आएगा, जहां पर ये इनर होगा वहां नहीं आएगा। अब डू व्हाइल लूप के बारे में बात करते हैं। डू व्हाइल लूप क्या करता है, ये डू है ये व्हाइल है। डू में भी एक ही यही चीज होती है कि डू में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कंडीशन होती है, अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, यहां पर कंडीशन चेक होता है। बस इसमें एक चीज ये है व्हाइल और डू व्हाइल में
कि ये डू में के अंदर घुसते ही एक बार कम से कम चलेगा, एटलीस्ट एक बार चलेगा, बस इतना समझना है आपको। स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, बॉडी ऑफ लूप इंक्रीमेंट, यहां पर चेकिंग नहीं हो रही है, बस चेकिंग यहां हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। जो जो आपके वाइल और फॉर देखे वो एंट्री कंट्रोल लूप है, कम से कम एक बार तो इसको ये चलाएगा ही चलाएगा मिनिमम, एक बार अगर कंडीशन फेल भी है तो कंडीशन तो क्योंकि यहां चेक हो रही है ना, ये दोनों तो चली जाएंगे, बस ये है डू वाइल में अंतर के लिए इतना ही। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर हमने एक मेन किया वाइल फोर इज लेस देन वन, जो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं डू वाला वाइल में, वाइल फोर इज लेस देन वन, हेलो देयर, फोर क्या लेस देन वन है, एक क्या चार से बड़ा है, नहीं, हेलो देयर एक बार भी नहीं आएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसको डू वाइल से करें, डू वाइल फोर लेस देन वन, तो डू के अंदर घुसे हेलो देयर एक बार ये दिखा देगा, प्रिंट करा देगा, उसके बाद ये चेकिंग हो रही है कंडीशन की चार लेस देन वन, अब ये कंडीशन फेल हुई तब ये बाहर आएगा, लेकिन एक बार तो चला ही गया ना, यानी डू वाइल कम से कम एक बार रन करेगा। कभी आप ऐसी कंडीशन जैसे आप यूजर से मांगना चाहते हैं कि आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक एंट्री दिया आपने और बोलते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यस नो करिए, ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा डू वाइल का उपयोग करते हैं। ऐसी भी हमारे पास सिचुएशन आती है, कम से कम एक बार हम चलाना चाहें उसी के लिए हम वो करते हैं, और हमने देखा कि हम बीच में ब्रेक भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, तो डू वाइल में भी आप ब्रेक और कंटिन्यू लगा सकते हैं। समराइज करते हैं, तीन टाइप के लूप हमने देखे, फॉर वाइल और डू वाइल, बहुत तफसील से देखे। ब्रेक क्या करता है, इनर मोस्ट जो कंट्रोल लूप है उसे बाहर ले आता है। कंटिन्यू क्या करता है, कुछ आपके लूप जैसे एक से लेकर 100 तक चल रहा है, आप कहते हैं 10 20 ऐसे नंबर नहीं दिखाने, तो जहां 10 या 20 इस तरीके से आएंगे वहां आप कंटिन्यू कर दीजिए, वो नहीं दिखाएंगे, वो आपको स्टार्टिंग में लूप ले जाएगा, कंटिन्यू के बाद की जितनी भी लाइनें आपने लिखी वो सब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। डू वाइल इसलिए यूज होता है कि कम से कम हम एक बार जो कंटेंट है उसको एग्जीक्यूट करा सके। प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट करता है जो भी आप इसके आगे ऑपरेटर देंगे, माइनस माइनस डिक्रीमेंट करता है, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू इज इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू, इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। तो ये बात हुई आपके लूप स्ट्रक्चर्स की, होपफुली लूप आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। अब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।